अभी तक ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स का सेक्टर है ये अनरेगुलेटेड था। अच्छा, ये अनरेगुलेटेड इसलिए आता है क्योंकि कोई भी आप डेमोक्रेसी देख लें तो वहां एक पब्लिक और प्राइवेट डिस्टिंक्शन की जाती है कि जी प्रिवेसी के राइट्स होंगे, हाउस होल्ड के अंदर क्या होता है वहां स्टेट उसके ऊपर रेगुलेशन नहीं करेगी, वो लेकिन अब ये प्रिवेसी जो का है मैटर है। कानून के जुमरे में आ चुका बिल्कुल है, डोमेस्टिक होता ये लेबर अब है एक सिर्फ जी, डोमेस्टिक इशू नहीं जब है। पब्लिक प्राइवेट डिस्टिंक्शन या डिकोटमी ड्रॉ कर दी जाती है ना, उसमें थोड़ा बहुत फिर एक एक्सप्लॉयटेशन और डोमेस्टिक सर्विट्यूड के लिए एक मेरे ख्याल से एक फर्टाइल ग्राउंड क्रिएट हो जाता वो है टिपिकल और वो मास्टर डोमेस्टिक सर्वेंट वर्कर्स। रिलेशनशिप किक इन कर बिल्कुल जाता है बेसिकली, और डोमेस्टिक वायलेंस वो में भी हम फिर देखते थे। बिल्कुल ये मसला आ रहा था कि वो नॉर्मल लेबर लॉज में कवर नहीं हो रहा था, जो कि बिल्कुल 2018 की जजमेंट में लाहौर हाईकोर्ट ने भी इस बात के ऊपर रोशनी डाली थी। 7 साल तक लॉबिंग चली थी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से, ऐसे लॉयर्स हैं उनकी जो लीगल प्रोफेशन लॉयर्स कम्युनिटी, ये काफी सालों से एक लॉबिंग शुरू हुई थी कि 2015 में एक केस आया और एडवोकेट शराज जका थे, तो वो ये केस एक है जिसको हम कहते हैं सूबे खान जजमेंट, ये 2015 में शुरू हुआ और इसके ऊपर क्योंकि अमल दरामद होते हुए वक्त लगा हुकूमत पंजाब को, तो उसके हवाले से इस पे फिर से एक अपील की गई या इसके ऊपर फिर से कंप्लेन लाई गई, और उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे लाहौर हाईकोर्ट के मंसूर अली शाह साहब, बिल्कुल उन्होंने इसको रिट पिटिशन में बदल दिया और इसको एक पब्लिक इंटरेस्ट का मामला बना दिया, बिल्कुल और उस पे पंजाब हुकूमत वाज द रिस्पोंडेंट, और दिसंबर 2018 में एक लैंडमार्क जजमेंट आई जो जिसमें के विच वाज पे हेड बाय जस्टिस जवाहर हसन साहब, बिल्कुल और उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट को डायरेक्ट किया कि ये जो उस वक्त पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स बिल था उसको फौरी तौर पर कानून बनाया जाए, उसको हरकत में लाया जाए, और उस जजमेंट के अंदर बल्कि कोटेशंस दी गई थी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि ये कितना कोई हैजर्डस, ये कितना कोई नुकसानदेह है फॉर द बिल्कुल हेल्थ बोथ फिजिकल और बहुत मेंटल ज्यादा डिटेल और जजमेंट द थी। और डोमेस्टिक उसमें एक वर्कर। पॉजिटिव चीज जी ये कानून के बारे में तो हम बात करेंगे कि यू नो ये वन ऑफ द फ्यू इश्यूज है जिसपे हम देखते हैं कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो हैं, जी कोर्ट, गवर्नमेंट, यू नो पीपल फ्रॉम द सिविल एनजीओ सिविल सोसाइटीज, सोसाइटी, ठीक है, बिल्कुल सब साथ थे बेसिकली। जी अच्छा, कानून पे आते हुए वो जजमेंट आ गई, उसके आ बाद गई कानून साजी हो गई, ठीक बिल्कुल है। कानून के मुताबिक डोमेस्टिक वर्कर कौन है 2019 के कानून के बिल्कुल। मुताबिक? सो ये जो जजमेंट थी सूबे खान वाली, ये थी पंजाब डोमेस्टिक वर्कर्स एक्ट 2019 से मुतल्लिक। जी ऑफकोर्स 18वीं तरमीम के बाद, क्योंकि हर सूबे के अपने लेबर लॉज होते हैं या एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड लॉज होते हैं, तो पंजाब के अंदर ये एक लैंडमार्क पीस ऑफ लेजिस्लेशन था कि जब भी कोई डोमेस्टिक वर्कर को एम्प्लॉय किया जाएगा तो उसके हवाले से एक लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट जारी किया जाएगा फ्रॉम द बिल्कुल एम्प्लॉयर। ठीक है। तो अब क्या है कि लेटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बनाने की अहमियत मेरी नजरों में ये है कि पहली दफा ये हो रहा है कि ये इट इज बीइंग स्पोकन आउट, ये बताया जा रहा है, वाजे किया जा रहा है कि क्या हकूक होंगे डोमेस्टिक वर्कर्स के, क्या टर्म्स होंगे, उनका काम की जॉब नौयत क्या डिस्क्रिप्शन, होगी? उनकी जेडी क्या होगी, बिल्कुल ताकि एम्प्लॉयर अब्यूज ना कर सके इस एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशन को। यानी कि अगर आपने एक शोफर हायर किया हुआ है, आपने किसी को ड्राइविंग वर्क के लिए हायर किया, ये नहीं कि आप उनसे पंखे साफ करवा रहे हो, ये बिल्कुल नहीं कि आप उनसे, हर चीज का बड़े वाजे तौर पर बयान किया जाएगा उसी बिल्कुल, लेटर में कि क्या काम की और नौयत होगी, उसके मिनिमम हवाले से वेजेस भी पे होंगी। पे क्या की जाएगी। अच्छा, मिनिमम वेज, अगेन ये एक बहुत प्रोग्रेसिव स्टेप है कि 2019 का एक्ट कहता है कि मिनिमम वेज दी जाए, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत ये भी एक लूप होल रह जाता है, वो मिनिमम वेज क्या है। हमें ये पता है नेशनल मिनिमम वेज 17,500 से अब 20,000 20,000 कर कर दी दी गई गई है। है। इस बात के ऊपर क्लैरिटी की बहुत सख्त जरूरत है कि दिस इज एग्जैक्टली जो कि महाना वेज एक डोमेस्टिक वर्कर को भी दी जाएगी। मुनीब, लेकिन एटलीस्ट अब एक मिनिमम वेज स्टैंडर्ड तो बिल्कुल डिफाइन हो गया। मिनिमम पहले तो इस तरह हम केसेस देखते थे जहां जी पे काम करवाया जाता था उनको ना कोई रेस्ट दिया जाता था, इसमें वर्किंग आवर्स भी डिफाइन हो गए, ना उनको पैसे दिए जाते थे। डिस्क्रिमिनेशन जो है जेंडर के बेसिस पे एटलीस्ट नहीं होगी, अमंगस्ट अदर थिंग्स ऑफ कोर्स। सो आई थिंक ये अच्छी चीजें हैं जो कि खवातीन स्पेसिफिक हैं, खवातीन के जो डोमेस्टिक वर्कर होने के हवाले से राइट्स अक्रू करते हैं उसको जो है ये एलिवेट करते हैं, उसको जो है ये इंश्योर करते हैं। मुनीब, इस पे आपका क्या व्यू पॉइंट होगा? फॉर ऑल द जेंडर्स जो सिकनेस बेनिफिट्स की बात आ रही है, इसमें प्रोग्रेसिव मुझे एक स्पिरिट जरूर नजर आती है। बिल्कुल, पर ऑन द अदर हैंड मैं फिर से कहूंगा कि कुछ ऐसे एरियाज हैं जिस पे के क्योंकि अपॉर्चुनिटी एक बहुत अच्छी आई थी रजिस्ट्रेट करने की और उसमें फर्दर रिफॉर्म्स लाने की, और भी हम उधर आएंगे रिफॉर्म्स है, बिल्कुल, बिल्कुल। जरूरत है, लेकिन वहां मेरा जेन इस तरफ भी जाता है कि जिधर सेफ्टी और हेल्थ की बात की गई है वो स्टैंडर्ड्स क्या है हेल्थ और बिल्कुल हेल्थ सेफ्टी के, के? डिसेंट लिविंग यानी कंडीशंस क्या सिर्फ होंगे, ठीक फिजिकल हेल्थ की बात हो रही है, इमोशनल हेल्थ की, हेल्थ का मतलब क्या है फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट। साथ ही में जो एज लिमिट सेट की गई है वो ये है कि एज लिमिट क्या, बिल्कुल आप 15 साल की उम्र से नीचे किसी को एम्प्लॉय नहीं कर सकते, उसकी अपनी पेनल्टीज है। पर मेरा अब ये सवाल उठता है कि फिर तो प्रीसपोजिशन ये है, अजम्पशन ये है कि जो 15 से 18 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं दे आर सेफ,
चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन, जिसका कि पाकिस्तान एक स्टेट पार्टी है, वो डेजिग्नेट करता है कि 18 साल से नीचे जो भी है वो बच्चे हैं। तो ये जो एक अजम्पशन है कि लाइट वर्क दिया जाएगा एंड सो दे विल बी सेफ या उनकी हेल्थ प्रोटेक्ट होगी, आई थिंक स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है। लेकिन कानून में ऑफकोर्स जिस तरह की कोई भी कानून पास होता है उसमें जो होता है रूम होता है, लेवरेज होता है उसको चेंज करने का, इन हाइंडसाइट हम लोग उसको जो है उसको अमेंड करने। मिनिमम वेज के हवाले से भी मैं आपकी वेबसाइट पे पढ़ी थी कि काफी कंप्लेंट्स जो हैं वो आ रही हैं कि मिनिमम वेज जो है एम्प्लॉयर्स नहीं दे रहे, तो इसके बारे में भी लगता है कि पीपल आर क्वाइट अवेयर अबाउट। जी, बहुत अवेयरनेस है, बल्कि ये जो प्राइम मिनिस्टर सिटीजन पोर्टल है इसमें तकरीब लाहौर ऑफिस में मोर देन 2000 जो कंप्लेंट्स हैं वो रिजॉल्व हो चुकी हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा हमारा सेटिस्फैक्ट्री लेवल भी है। और जो भी चाहता है जिसका वर्कर का कोई राइट इंफ्रिंज होता है वो कंप्लेंट करते हैं और बहुत सारी रूल्स ना बनने के बावजूद भी हमने उनको रिलीफ दिलाया है। बिल्कुल, इसमें ऐड करना चाहता हूँ, अच्छा लॉ की तो अभी और भी बातें होंगी और मैं कर चुका हूँ, लेकिन प्रैक्टिकली हो क्या रहा है आप ये देखिए कि इतना इम्बेलेंस है, ये एक क्लास इम्बेलेंस है जो कि ना कि सिर्फ हमारे मुल्क में पूरी दुनिया के अंदर है। तो उसको जब मैं माइंड में रखता हूं तो अगर कोई एक डोमेस्टिक वर्कर अपना राइट मांगना चाहता है 2019 के एक्ट के तहत कि जी मेरा तो मिनिमम वेज का राइट बनता है आप जैसे कम पे कर रहे हैं और मुझे एम्प्लॉयर डिसमिस कर देता है कि नहीं जी हमें तो आपके उनके राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए बेसिकली सर ने बेसिकली कहा प्रोसेस में आप जब हम इस इशू को कंसिडर करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स के मुनीम, ये आप समझते हैं एज ए लॉयर की ये एक बड़ा इंटरकनेक्टेड इशू है, चाइल्ड लेबर के साथ कनेक्टेड है, बॉन्डेड लेबर के साथ, क्रिमिनल लॉ के साथ कनेक्टेड है, वायलेंस। अगर मैं इस एक्ट की बात करूं इन आइसोलेशन तो जी लगता है ये मैं लेबर या एम्प्लॉयमेंट लॉ की बात कर रहा हूं, पर आप ये देखिए कि ये वाला एक्ट आ गया एंड दिस वाज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन और इसके ऊपर मुझे भी बतौर पाकिस्तानी बहुत फखर है कि हमने इस तरह की कानून साजी की। मगर इसके आने के बावजूद आप यही देखिए कि पिछले साल ज़ोरा बीबी जिसको के 7 साल की थी और उसको जान बहक कर दिया गया क्योंकि उसने एक चिड़िया को आजाद कर दिया था, या एक बच्ची थी सना 8 साल की, ठीक है, और उसके ऊपर तशद्दुद किया गया क्योंकि उस पर इल्जाम लगाया गया कि उसने अपने एम्प्लॉयर्स के ग्लास से दूध पी लिया था। तो मेरे ये कहने का मतलब है कि इस तरह के जब हम लोग देखते हैं कि केसेस अभी भी आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ तो लैकिंग है। अब मुझे ये पता है कि चाइल्ड राइट्स कन्वेंशन का स्टेट पार्टी होने के बतौर पाकिस्तान का जो लास्ट टाइम रिव्यू हुआ था चाइल्ड राइट्स कमेटी यूएन के आगे, उसके अंदर हम लोगों को क्रिमिनल लॉ में रिफॉर्म्स आने को कहा गया था। और फिर से मैं कहूंगा कि पाकिस्तान डिड रिस्पॉन्ड, पाकिस्तान ने तरमीम इंट्रोड्यूस की थी पाकिस्तान पीनल कोड के अंदर। उसी तरह से एक सेक्शन 369A आया है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के वाले से। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ये जो डोमेस्टिक वर्कर्स एम्प्लॉय किए जाते हैं इन सब के साथ जो है बहुत सारे ट्रैफिक भी होते हैं, उसके अलावा एग्जैक्टली अबडक्शंस भी होती हैं। आप ये देखिए, मैंने ये बहुत बैठकर ये सोचा और तबसरा किया कि जिधर हमें पता है कि एक ऐसा सेक्टर है जिसको कि श्री मजारी साहिबा ने भी ये कह दिया है हमारी ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर ने कि ये हैजर्डस एम्प्लॉयमेंट है डोमेस्टिक वर्क, तो उसके अंदर ये क्या फैक्टर्स हैं जो कि इन गरीब लोगों को माइल करते हैं कि अच्छा, तो वही वाली बात आ गई ना घूम फिर के मुनी बेसिकली कि हमें इसको एक आइसोलेशन में नहीं देख सकते, नहीं देख हमें सकते। इसको पूरे माशरे में जो अदर एग्जिस्टिंग इश्यूज हैं, पॉवर्टी के साथ देखना चाहिए, वायलेंस के साथ, हैरेसमेंट, बहुत सारे इश्यूज का देखना चाहिए। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है 16 साल तक उम्र तक हर बच्चा स्कूल में, आर्टिकल 25 में स्कूल में होगा तो चाइल्ड लेबर नहीं होगी। इसी तरह से अवेयरनेस की जरूरत है कि उन्हें पता चले दीज आर ह्यूमंस, इनके एट पार राइट्स हैं हमारे बच्चों के। मैं देखता हूं जो ये शॉपिंग करने जा रहे होते हैं तो उस बच्चे ने उस अपने वजन से भी ज्यादा बच्चा उठाया होता है। अगर ये नेमिंग शेमिंग होना शुरू हो जाएगी मीडिया पे जो कि और इतने इश्यूज के ऊपर हो रही है, बहुत जल्द जो है ना सोसाइटी बेहतरी की तरफ जाएगी। एंड आई थिंक वही वाली बात की इन इट्स एंटायरिटी हमें जो है इस सारे इशू को देखना चाहिए। लेकिन थैंक यू सो मच मुनीब साहब, थैंक यू सो मच जैगम साहब, एंड थैंक यू सो मच मिस उमे लैला फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि अपने आज के शो में हम आपको बड़े बेसिक लेवल पे बताएं कि जब हम पाकिस्तान में बात करते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स और उनकी राइट्स के हवाले से तो इस हवाले से क्या कानून साजी की गई है। मोर पर्टिकुलरली हमने पंजाब में जो एक्ट आया उसको डिस्कस किया। हैविंग सेड दैट, इस कानून में जिस तरह के बहुत सारे कानूनों में हमेशा एक गुंजाइश होती है बेहतरी की, वो गुंजाइश जो है वो रहती है। इम्प्लीमेंटेशन पे हमें काम करने की जरूरत है और मैं समझती हूँ इम्प्लीमेंटेशन का बेहतरीन तरीका तब हो सकता है जब आप लोगों को अवेयर करें कि एक ऐसा कानून एग्जिस्ट करता है। सिर्फ डोमेस्टिक वर्कर्स को ही अवेयर ना करें बल्कि उनकी फैमिलीज को भी करें जो कि उनको फोर्स करते हैं कि वो लोगों के घरों में जाके काम करें, और इसके साथ साथ ठीक है उन लोगों को भी जो उनको एम्प्लॉय कर रहे हैं, बिकॉज कानून तभी प्रॉपरली इंप्लीमेंट हो सकता है जब पूरी सोसाइटी के सेगमेंट्स जो हैं वो उसे प्रॉपरली अवेयर हों और सेंसिटाइज्ड हों।